प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से YouTube चैनल आदिवासी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर फिफ्थ जिसका नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के अभी तक तीन लेक्चर कर लिए। लेक्चर फर्स्ट में देखा था कि धारा क्या होती है, धारा की परिभाषा, जिसे औसत धारा निकाल सूत्र आई एवरेज बराबर डेल क्यू बाई डेल टी, ये था औसत धारा का सूत्र। आई ताक्षणिक यानी डी क्यू बाई डी टी, ये था अपना ताक्षणिक धारा का सूत्र। मात्र होता है एम्पियर वगैरह, सारी अपने अधिश राशि सब कुछ कर लिया था। और फिर अपने लेक्चर टू में अपने किया था, लेक्चर टू में किया था अपने अपवन वेग का सूत्र, यानी क्या आया था वी डी बराबर स्मॉल ई कैपिटल एम बाई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टू। अगर सदिश है तो यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे और यहाँ पे वेक्टर, यह था सदिश रूप में। परिणाम की बात करें सिंपल, तो वी डी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टू, ये अपने लेक्चर टू में अपने कैलकुलेशन कर लिया था। लेक्चर थ्री में किया था विद्युत धारा और अपवन वेग में सूत्र, या अपवन चार्ज में सूत्र क्या था आई जी को आपको याद होगा वी डी ई एन, जहाँ पे वी डी क्या है अपवाह चाल है, अपवन वेग का जो परिणाम उसे बोलते हैं अपवाह चाल। ई यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम से, मतलब इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, ए है उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, आई उसमें धारा। और फिर अपने आई ये कलेक्ट किया था और आगे अपने एक सूत्र रोल किया था जिसके बीच में कि अपवन वेग और विभवांतर में संबंध, तो कुछ नहीं किया था ई की जगह वी बाई एन क्या दिया जाएगा ई ई अपॉन एम एन इंटू टू, या इसको लिख दिया अपन ई इंटू ये, ठीक है जी। ये आया था अपने किसके बीच में अपवन वेग, यानी यहाँ पे अपवन वेग और विभवांतर में संबंध, ये था। ये अपने लेक्चर तीन तक कर लिया था। और आज क्या करने वाले, आज इन्हीं के ऊपर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल है, कौन से आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 5.1 से लेके 5.3 तक, ठीक है। पहले आज एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे ओम का नियम, जिससे अपना फ्लो अच्छा रहेगा कि अपने थ्योरी पढ़ी उसके बाद अपना एग्जाम्पल हो गया तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले याद होंगे, इसी पे आपका एग्जाम्पल नंबर 5.1 दे रखा है। तो एग्जाम्पल नंबर 5.1 आप बुक साथ में लेके बैठिए, साथ में और कॉपी पेन भी लेके बैठिए और सवाल पढ़िए और सोल्व कीजिए, आसान है। जैसे ऐसा सवाल मैंने करवा दिया था, दो सवाल मैंने करवाए थे, लेक्चर फर्स्ट में करवा दिए थे आपको। देख क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5.1 सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 5.1 सॉल्यूशन बोल रखा है कि एक पर्स्ट से गुजरने वाले आवेश क्यू पर क्यू का मान समय टी पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, यानी क्यू का मान दे रखा है, बोल रहा है क्यू बराबर 4t³ प्लस 5t प्लस 6, ये दे रखा आपको। तो t बराबर 1 सेकंड पर पर्स्ट से प्रवाहित ताक्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सूत्र बोल रखा है, आप जानते हो ताक्षणिक धारा का सूत्र, ताक्षणिक धारा I बराबर क्या है dQ बाई dt, जो आपको जो फलन देखा है टी का, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और टी की वैल्यू आपको डाल देंगे, तो क्या आएगा देखिए डी बाई डी टी, क्योंकि वैल्यू क्या है 4t³ प्लस 5t+6, तो करना क्या है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब अवकलन इसका अलग होगा, इसका अवकलन अलग होगा और इसका अवकलन अलग होगा। देखिए यहाँ पे 4 ऐसा कैसा टी क्यूब का अवकलन क्या होगा 3t² पता है डी बाई डी एक्स एक्स की घात एन का अवकलन क्या होता है घात आगे और घात में से एक माइनस और कर दीजिए यानी एन एक्स टू की पावर एन माइनस वन, तो ये आ गया क्या 3t² प्लस 5 टी की पावर 1 का क्या होगा टी की पावर 1 ही होगा, तो टी की पावर 1 का क्या होगा 1 होगा कैसे घात आगे टी की पावर 1, तो घात आगे घात में से एक माइनस और कर दीजिए तो 1 × टी की घात 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 के अलावा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 1। और जो अचर राशि होती है उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है, क्लियर। अचर का अवकलन क्या होता है अचर मीन कांस्टेंट, जितनी भी राशि है उनका अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से क्या बन गए आई बराबर बना 4t² प्लस 5, ये आ गया आपका आई का फंक्शन। तो क्या करना है टी बराबर 1 सेकंड पर, तो टी की वैल्यू 1 रख दीजिए टी बराबर 1 सेकंड पर, तो फिर टी की जगह 1 डाल दीजिए तो क्या आई बराबर 12 × 1² प्लस 5, तो 12 × 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 + 5 सिंपल यानी 17 एम्पियर। लास्ट में मात्र देखना कितना 17 एम्पियर। आसान सवाल था, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी सिंपल करना था, अवकलन करना है एक्स की घात एन का अवकलन आपको आता है घात आगे एक्स की घात एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये था आपका एग्जाम्पल 5.2। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.1 था 5.2, ठीक है यहाँ तक नोट करना है नोट कर लीजिए बोल करिए, आगे पढ़ते हैं पढ़िए आप भी एग्जाम नंबर 5.2 सोल्व करते हैं, पढ़ लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5.2 बोल रखा है 1.0 × 10⁻⁷ m² अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चालिका ज्ञात कीजिए, आकलन कीजिए ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए कि तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा की तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है, और बोला तांबे का घनत्व दे रखा है 9×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 63.5 AMU है। तो देख जो दे रखा है वो लिख लीजिए पहले। सबसे रिजन दिया एग्जाम्पल 5.2 क्या बोल रखा है, अनुपात काट क्षेत्र दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 1.0×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। फिर आगे बोल रहा है तांबे के तार में धारा तरह के करंट जो बह रहा है वो बोल रहा है I=1.5 A का करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। इसमें चालक क्या अपने निकालना है, VD का मान निकालना है, चालक VD का मान अपने को निकालना है। ठीक है, बोल रहा है कि तांबे का घनत्व और जो तांबे का मतलब एक परमाणु, तांबे में बहुत सारे परमाणु, तो एक परमाणु केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का धारा प्रवाह में योगदान कर रहा है ऐसा इसने बोला है। और तांबे का घनत्व दे रखा है तो घनत्व रो से दिखा दे, रो Cu बोल रखा है तो Cu में कॉपर तो हम इसको सिंपल रो लिख लेते हैं, रो मतलब घनत्व। किसका दे रखा है तांबे का, कितना दे रखा है 9×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दे रखी है इसकी डेंसिटी। और आगे बोल रखा है इसका परमाणु द्रव्यमान 63.5 AMU होता है, वो अपन जानते हैं ये होता है इसका परमाणु द्रव्यमान 63. यानी इसका जो एम दे रखा है वो दे रखा है 63.5 AMU। तो बच्चों यहीं से बता दूँ एमयू में दिया होता है, एमयू होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, किसका होता है एक परमाणु का द्रव्यमान होता है एमयू, और इसमें ग्राम में लिखूं 63.5 ग्राम तो ये होता है एक मोल कॉपर के एक मोल का द्रव्यमान, तो इसको हमने किसने दिया ग्राम में। इसका मतलब क्या हो गया एक परमाणु का द्रव्यमान 63.5 AMU है, तो 63.5 ग्राम का मतलब ये कि वो एक मोल का द्रव्यमान है, किसका है एक मोल का द्रव्यमान है। ठीक है, आते अब निकालना क्या अपने को VD, तो आपने पढ़ा है I=VDEN, याद भी करा था I=VNA के नाम से, इसको याद कर सकते हो I=VNA, जहाँ पे VD क्या है अपन वेग है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N क्या है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और A क्या अनुपात काट क्षेत्र। निकालना क्या VD निकालना है, तो VD बराबर क्या होगा I/ENA, इसको नीचे ले VD को अलग रखा है और ENA को नीचे ले, अब I दे रखा है ठीक है दे रखा है 1.5, दे रखा है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो जानते हैं 1.6×10⁻¹। ए भी दे रखा है, दिक्कत कहाँ है एन नहीं दे रखा, तो एन को निकालने की इसने चीज दी अलग से, ये द्रव्यमान दे रखा है, एक परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है, और एन होता क्या है इकाई आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखें यहाँ पे आपको पता होगा तांबे के 63.5 ग्राम है, अब उसमें किलोग्राम इंटू कितना 63.5×10⁻³ kg कर सकते हैं भाई, ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर दिया हमने, तो इसमें इतने किलोग्राम परमाणु है। ठीक है, तो आपको पता होगा एक मोल ये किसका द्रव्यमान है एक मोल का द्रव्यमान है, तो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं केमिस्ट्री पढ़ा आपने, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं अवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो यहाँ पे एक मोल बराबर ये यानी इतने ग्राम में इतने किलोग्राम में अवोगाड्रो नंबर के बराबर परमाणु होंगे, क्या होंगे परमाणु होंगे, और एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहा है, एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहा है, तो जितने परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ एटम्स परमाणु निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे तांबे के 63.5×10⁻³ किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या आएगा Na, बराबर क्या आएगा Na मतलब अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023×10³, तो सुविधा के लिए अपने गणना को थोड़ी सी आसान बनाने के लिए 6.023 को लगभग कितना मान लेते हैं 6 ही मान लेते हैं, जिससे थोड़ी एल्गोरिथम आसान पड़ जाएगी भाई, 0.023 का कोई खास रोल यहाँ पे नहीं है, तो क्या बोलेंगे तो 6×10³ परमाणु है इसके, क्लियर भाई, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो देखिए एक किलोग्राम में कितना है, एक किलोग्राम में है ये कितने ग्राम में, इतने ग्राम में इतने किलोग्राम है, तो एक किलोग्राम के लिए क्या करो इसको इधर नीचे डिवाइड में ले जाइए, तो क्या आएगा ये एक किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या, तांबे के एक किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या आएगी 6.023×10³ अपॉन क्या आएगा 63.5×10⁻³, ये कितने किलोग्राम में एक किलोग्राम में, इसको बोल सकते हैं यह है पर किलोग्राम परमाणु, कितने एक किलोग्राम में इतने परमाणु पर किलोग्राम परमाणु ये। अब देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा अपने को, ये तो दे दिया ये तो एक किलोग्राम में पर किलोग्राम, लेकिन अपने को चाहिए क्या पर मीटर क्यूब, यानी एक मीटर क्यूब में कितने चाहिए वो अपने को निकालना है,
अपने पर किलोग्राम नहीं चाहिए, अपना एन क्या होता है पर मीटर, यानी एक मीटर क्यूब में परमाणुओं की संख्या, ये होता है एक मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे जितने परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन है, तो एक परमाणु बराबर एक इलेक्ट्रॉन है, बोल रखा है सवाल के अंदर। तो क्या किया जाए आप जानते हो, अब देखें यहाँ पे आप जानते हो रो बराबर एन बटा वी, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, अपने को क्या चाहिए पर किलोग्राम की जगह पर मीटर क्यूब चाहिए। तो क्या करें इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं, यहाँ से देखें रो बटा एन कर दूं बराबर क्या देगा एक बटा वी, यहाँ पे क्या हुआ एक वी का मतलब पर, यानी वी मतलब आयतन एन पर मीटर क्यूब, ये क्या घनत्व, घनत्व का मात्रा क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और नीचे क्या है द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम गया तो क्या जाएगा पर मीटर क्यूब, क्या जाएगा पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या करते हैं पर किलोग्राम को अपन घनत्व से गुणा कर दे, ये पर किलोग्राम है, पर किलोग्राम को अगर घनत्व से गुणा कर दे तो अपने को क्या पर मीटर क्यूब परमाणु की संख्या मिल जाएगी, और पर मीटर क्यूब जितने परमाणु उतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक किलो, यानी एक मीटर क्यूब में, एक मीटर क्यूब में परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या वही अपना यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ सवाल में बोल रखा है जितने परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे तो सिंपल 6.023 इंटू 10^23 को नीचे 63.5 इंटू 10^-3 और यहाँ से लगा देंगे घनत्व से गुणा कर देंगे, और घनत्व इसका दे रखा है 9 × 10^3। कोई डाउट इसके अंदर क्यों किया, क्योंकि पर मीटर क्यूब किए पर किलोग्राम से, तो मैंने उसको घनत्व से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करना कुछ नहीं, एन का मतलब निकाल, यही क्या अपना एन है, यही अपना क्या है एन है। तो ये बन गया आपकी एन की वैल्यू 6.023 इंटू 10^23 अपॉन 63.5 इंटू 10^-3 इंटू 9 × 10^3। अब करना कुछ नहीं, ये एन की वैल्यू यहाँ सारी इसमें रख दीजिए और हल करना है। तो देखिए वी डी बराबर क्या है आई, आई का मान कितना है 1.5, ठीक है। नीचे ई, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना होता है आप जानते हो 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन, यहाँ राइट करने वाले 1.6 इंटू 10^-19। फिर आगे क्या आ रहा है एन आ रहा है, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 6.023 इंटू 10^23 अपॉन 63.5 इंटू 10^-3 इंटू में क्या रहेगा मल्टीप्लाई इसके क्या चलेगा 9 × 10^3, और आगे को आने ए, और ए की वैल्यू क्या देखें यहाँ पे 1.0 × 10^-7। तो बस आप कैलकुलेशन में आपको आगे कुछ नहीं इसके अंदर बता, नियक्ति तक मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पे क्या करें अपने इसको, इसको अपने जाते ऊपर तो क्या बन जाएगा, देखिए घाटो सॉल्व करें 23 से, चलो 1.5 इंटू ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 63.5 इसके बाद है ना, इसके बाद यह है 63.5 इंटू 10^-3। नीचे क्या बच रहा है, नीचे नंबर में 1.6, यहाँ पे 6.023 को सिंपल फिक्स मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन, इंटू में 9। और पावर की बात करें तो देखिए माइनस का 19, माइनस का 7, माइनस का 26, और 26 प्लस का 23 प्लस, तो घातों का भी यानी घात क्या होता है 10^0, ये तो पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया। बचा क्या भैया बच रहा है, इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर दीजिए, 1.5 डिवाइड करना है, तो आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए और चाहो तो मैं आपको इसके मल्टीप्लाई करके बता दूँ। देखो कैसे करें इसको, 1.5 1.6 से लगो आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ 1.5 इंटू क्या आ रहा है, इंटू आ रहा है 63.5 डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाई जो आ रहा है उसको 1.6 इंटू 6 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1.1024 ऐसा कुछ आ रहा है, और आगे अपना 10^-3 मीटर पर सेकंड। तो ये काम भाई मात्र किस में आएगा, यूनिट पे आएगी मीटर पर सेकंड, सारे अपन किस में रखे थे ऐसा ही, तो इसका आंसर आ गया। तो इधर इसको 1.1 इंटू चाहो तो 1.mm पर वन, ठीक है 1.1 10^-3 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका आंसर। बहुत कम आती है जैसे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका जो परिमाण है, ड्रिफ्ट अपवाद एक का जो परिमाण है वो लगभग 10^-4 के करीब ही होता है, लेकिन चाल चाल होती है वो 10^5 के करीब होती है, ठीक है तो बहुत कम आती है। अब आप बोलोगे इतने करंट फ्लो क्यों हो रहा है, तो उसका आपको बुक में लिख के बता रखा है कि एक पाइप को मान लीजिए वो पूरा भरा हुआ है, मान लो पाइप की क्या बोला है इसने जब आगे की कि इसका वेग इतना कम है जैसे, फिर भी अपन जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल्दी से जल जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है
सर जैसे एग्जाम्पल मतलब पाइप है पानी का, ठीक है, और मान लो 10 मीटर लंबा है, कितने मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा। तो जैसे वो मान लो पूरा खाली हो, आपने एक जैसे पाइप लगाया तो 10 मीटर जाने में कुछ टाइम लेगा, लेकिन मान लो ऑलरेडी पाइप पहले से ही भरा हो, तो जैसे अपन यहाँ नल खोले तो दूसरे नल पानी आ जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए, बस थोड़ा सा पुश दिया अपन ने और एक दूसरे को उन्हें धक्का देना स्टार्ट किया, लगभग किस वेग से, प्रकाश के वेग से, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा एक्सप्रेशन बुक में आपको अच्छे से लिख के रखा है, बाकी थोड़ा आपको समझा दिया। ये तो हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 5.2 था, क्लियर यहाँ पे, क्लियर। ये वाली चीज थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पे लगी तो ये आपको आसान आनी चाहिए था। तो एग्जाम्पल नंबर 5.3, एग्जाम्पल नंबर 5.3 की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए इसको आप नोट कीजिए और एग्जाम्पल नंबर 5.3 रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, तब तक मैं इसको चलिए। एग्जाम्पल नंबर 5.3 क्या देखा है, देखिए ये बोल रखा है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु है में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या, क्या देखिए आपको त्रिज्या देखिए आर का मान देखा है, त्रिज्या 5.3 × 10⁻¹ मीटर है और 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, औसत विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की जो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या दे रखी है, यही आर का मान दे रखा है। एग्जाम्पल 5.3 आर का मान दिया कितना 5.3 × 10⁻¹ मीटर ये दे रखा है, और इसकी जो चाल दे रखी है यानी वी का मान दे रखा है, चाल को मैं वी से दिखा रहा हूँ, कितना दे रखा है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। बोल रहा है औसत विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, भाई इलेक्ट्रॉन बनेगा तो करंट तो बनेगा, आवेश चला तो करंट बनेगा, तो करंट क्या कौन सा निकालना है, औसत निकालना है, तो आप जानते हो आई बराबर सिंपल क्यू बटा टी आवेश बटा समय निकालना है, क्यू आवेश बटा समय। तो आवेश इधर का इलेक्ट्रॉन है, आवेश तो क्या है इलेक्ट्रॉन, अपने क्या निकालना पड़ेगा टाइम, और टाइम को निकालने के लिए क्या दे रखा है वेग दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो मान लो इसने यहाँ से ना स्टार्ट किया, इसकी त्रिज्या आर है, इसने दूरी कितनी तक कवर की, इसकी परिधि के बराबर, परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2πr। तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, अपने क्या आती है अपने को समय, समय क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, लिख सकते हैं दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या होगी 2πr और चाल इसकी दर के वी, तो समय क्या आएगा 2πr/v आएगा। तो सिंपल आप लिखते तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और यहाँ पे दूरी किसकी लोगे, इसकी परिधि की, इसकी कक्षा की लोगे, और कक्षा क्या है वर्ताकार पथ है, तो क्या परिधि के बराबर 2πr के बराबर। तो समय को तीसरे लिखा देते हैं 2πr/v दे रखा है, 2 × π 3.14 आर दे रखा है 5.3 × 10⁻¹ और वी दे रखा है, वी देखा 2.2 × 10⁻¹ का मान। अब धारा निकाल तो औसत धारा, धारा क्या होती है करंट, धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय ये होती है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, आई बराबर क्यू बटा पी, क्यू का मान क्या है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर पी, और ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹, और टी क्या है, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 × 3.14 × 5.3 × 10⁻¹ और डिवाइड बाई किससे करना है 2.2 × 10⁶, बस इसको हल करना होगा कि इसमें कोई जरूरत है नहीं। समझ आ गया, टी निकालना था समय बराबर दूरी बटा चाल से, इसको ऊपर ले जाइए क्या होगा 1.6 × 10⁻¹ इंटू में क्या आएगा, इंटू में ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा 2.2 × 10⁶ अपॉन क्या बताया 2 × 3.14 × 5.3 × 10⁻¹। हल करेंगे इसको तो देखिए माइनस का पहले देखो 1.6 × 2.2 / 2 × 3.14 × 5.3 आप तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट 2.22 करीब से काटिए कर सकते हो, मैं इसको आपको हल कर दूंगा अभी। अब पावर की बात कर देखिए माइनस का 19 नीचे ऊपर माइनस का 11 नीचे तो क्या बनेगा ऊपर कर लो 10⁻¹ प्लस का 11 प्लस का से कर सकते हैं, फिर माइनस का 19 ऊपर था और माइनस का 11 ऊपर जाएगा बनेगा प्लस का 11 और ये प्लस का 6 तो 11 और 6 कितना देगा, कितना देगा 17 और यहाँ पे माइनस का 2 तो आएगा 1.6, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 1.6 × 2.2 मल्टीप्लाई करना सबका आता है 2.2 जो आ रहा है उसको डिवाइड करना है किससे 2 इंटू
3.14 × 5.3, इसको सोल्व करने पे आ गया 0.10⁻², क्या और यहाँ पे क्या आएगा एम्पियर, यहाँ पे क्या आएगा एम्पियर। इसको क्या आंसर आपकी बुक में दे रखा है, बुक में जो आपके आंसर दिया है वो दे रखा है 1.06 mA, 1.06 mA, ठीक है। 1.06 क्या है जिसका जो एग्जैक्ट आ रहा है मैं आगे पूरा लिख दूँ, 0.1057 ऐसा कुछ आ रहा है, 0.1057 × 10⁻², यह आ रहा है एम्पियर में। अब देखिए आपसे क्या करना है, अपने पास जो भी यहाँ नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं एक और दस के बीच में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं ये पॉइंट कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए टेन से मल्टीप्लाई करके टेन से डिवाइड कीजिए, तो जिस टेन से आप मल्टीप्लाई करोगे वो तो उसको पॉइंट को यहाँ किसका देगा और ये कहाँ जाएगा ऊपर 10⁻¹ बन जाएगा, तो 10⁻²·10⁻¹ से बन जाएगा 1.057 × 10⁻³ एम्पियर, और आप जानते हो 10⁻³ को मिली लिख सकते हो, बनेगा 1.0 और 57 को यहाँ से कर दो राउंड ऑफ, पूर्णांकित इसको करना बोलते हैं कि आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है, इसके आगे नंबर जो है 5 से बड़ा अब उसको इससे बढ़ा दीजिए, तो 1.06 और यहाँ पे 10⁻³ को मिली एम्पियर, और ये आपका आंसर था। क्लियर, ये आगे आई का मान, आई औसत विद्युत धारा का मान, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल अपन आगे करेंगे ओम का नियम, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, देखेंगे अपने साथ।